यहाँ पे जो बच्चे अभी क्लास 9th में आए उनके लिए तो कहीं ना कहीं बेहतर है कि भाई वो देंगे अपना 12th का एग्जाम अभी 3 साल बाद कम से कम, है ना। 10th और 11th में ठीक से नहीं पढ़े और अभी बच्चे 12th में है, 2025 में देंगे एग्जाम। तो आप देख पा रहे हो सामने न्यूज जो है, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ठीक, तो क्या बोल रहे हैं किस तरीके से, पर फाइनल अपडेट आएगा वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। एंड जितने बच्चे अभी क्लास 9th और 10th और 11th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास 12 कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि हम बात करेंगे ये जो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए अपडेट सामने आया है। अब क्या ये क्लास 12th के लिए है? तो देखो यहाँ पे क्लास 9th, 10th और 11th वो क्लासेस भी इन्वॉल्व हैं। वो कैसे हैं? अगर आप क्लास 12th में हो तो भी आपके लिए सेशन है, 9th, 10th, 11th में हो तो भी आपके लिए सेशन है। तो देखो सबसे पहली चीज अपडेट क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो एनसीईआरटी की एक यूनिट है जिसका नाम है परख। उसने एजुकेशन मिनिस्ट्री को एक रिपोर्ट सौंपी है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जितने भी जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनके हमें मार्कशीट में क्लास 9th, 10th और 11th में उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है वो हमें उनकी मार्कशीट में शो करना चाहिए। ये बात सामने आई है। अब यहाँ पे जो बच्चे अभी क्लास 9th में आए उनके लिए तो कहीं ना कहीं बेहतर है कि भाई वो देंगे अपना 12th का एग्जाम अभी 3 साल बाद कम से कम, है ना। लेकिन वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं जो बच्चे अभी क्लास 12th में हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। हालांकि ये चीज़ अभी क्लियर नहीं हुई है कि क्या ये जो नया बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं ये 2025 से अप्लाई, यानी कि जो बच्चे अभी क्लास 12th में हैं 2025 में एग्जाम देंगे उनकी मार्कशीट में ये बदलाव होगा या नहीं होगा। इस पर अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। अभी इस पर बात चल रही है कि क्या ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे बाकी और बोर्ड्स का क्या कहना है। हालांकि ये चीज़ कही जा रही है कि सारे बोर्ड्स को एक पैटर्न पर लेकर आओ, लेकिन वहीं पे कुछ बोर्ड ने क्वेश्चन किया है कि हम ये नहीं करते हैं कि 9th, 10th और 11th के परफॉर्मेंस को बच्चों के 12th के मार्कशीट में शो करें, है ना। उन्होंने बोला है कि ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने भी एक सजेशन दिया कि ऐसा कर सकते हैं कि क्लास 9th को आप 10th की मार्कशीट में शो कर दो और क्लास 11th की जो परफॉर्मेंस है बच्चे की उसकी क्लास 12th में शो कर दो। अब जो बच्चे 9th, 10th और 11th में ठीक से नहीं पढ़े और अभी बच्चे 12th में हैं, 2025 में देंगे एग्जाम, तो बच्चों को तो ये चीज़ पता ही नहीं था कि फ्यूचर में ऐसे होगा। हालांकि टीचर सब बोलते हैं, बेटा हमने भी बोला है कि प्लीज़ 9th से पढ़ो, क्योंकि जब आप 8th से 9th में आते हो ना बहुत बदलाव होता है, धीरे धीरे 10th 11th में आते हो और आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा तो उनके लिए कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि एक खतरे वाली बात है, लेकिन जिन बच्चों ने अच्छे से नहीं पढ़ा उनके लिए खतरे की बात है थोड़ी सी, है ना। तो यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा अपडेट है। अब यहाँ से ये चीज़ निकल कर आ रही है कि अगर यही चीज़ 2025 से, यानी कि जो बच्चे 2025 में एग्जाम देंगे उनकी मार्कशीट में आएगी या नहीं आएगी इस पर कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं है। होगा तो बिल्कुल वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। वहीं पे कुछ बोर्ड का कहना है कि 9th की जो परफॉर्मेंस है उसको 10th की मार्कशीट में शो किया जाए और क्लास 11th की परफॉर्मेंस को क्लास 12th की मार्कशीट में। इस पर भी अभी कुछ, यानी कि अभी कोई फाइनल हम ये कह सकते हैं कि रिजल्ट नहीं आया कि भैया ऐसा आपको करना है, ठीक है। ये एक रिपोर्ट गई है जिसमें ये चीज़ बोली गई है। अब अगर हम बात करते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये सही है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें ये जो बात कही जा रही है ना कि क्लास 9th का जो परफॉर्मेंस है बच्चे उसको क्लास 10th की मार्कशीट में शो करें, ये बहुत सही लग रहा है मुझे, और क्लास 11th का क्लास 12th में, ठीक है। क्योंकि क्लास 9th, 10th, 11th और 12th ये ना जैसे चेन नहीं होती उसमें कड़ियां होती हैं आपस में जुड़ी हुई होती है ना, एक कड़ी दूसरे से दूसरी तीसरे से, ये ऐसी होती हैं। एंड इसलिए बोला जाता है प्लीज बेटा स्टार्टिंग से पढ़ो, ये 4 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आपको भी नहीं पता कि कब कौन सा नया अपडेट आ जाए। एंड बोला जाता है हर क्लास में बेटा 9th है तो अच्छे से करो, 10th है तो अच्छे से करो, 11th है तो अच्छे से करो। अब बात यहाँ पर आती है कि ठीक है अगर ऐसा होता है तो किस क्लास का कितना परसेंट। आप देख पा रहे हो सामने न्यूज़ जो है, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ठीक। तो क्या बोल रहे हैं किस तरीके से, तो यहाँ पे 15% बोल रहे हैं क्लास 9th का, 20% देखा जाएगा क्लास 10th का, 25% क्लास 11th और बाकी 40% बोल रहे हैं मार्क्स वो क्लास 12th के होंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात करें किस किस तरीके से, यानी क्लास 9 से लेकर 12th तक कैसे ये चीज़ होगी, ये इस बेसिस पे कही जा रही है। परसेंटेज मैंने बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ये सही रहेगा नहीं रहेगा ये चीज़ भी हमें देखनी होगी। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी कि क्या 2025 में ये होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले, जिनका रिजल्ट आने वाला है, उसमें ये चीज़ ना करके, ठीक है, नेक्स्ट ईयर से इसको एक रूल बना देना चाहिए। एंड मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि 9th का 10th में और 11th का 12th में शो करना चाहिए। ठीक है, आपका क्या कहना है प्लीज़ आप भी मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएं, है ना। देखो ये जो न्यूज़ आई है, कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए हैं कि क्या हमारा क्लास 12th का जो रिजल्ट है वो ख़राब तो नहीं हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये जो न्यूज़ है, मैं वापस बता देती हूँ, अभी कोई फाइनल कंक्लूजन निकल के नहीं आया कि करना क्या है। ठीक है, अभी ये चीज़ नहीं आई है यहाँ पे फाइनल निकल कर, लेकिन जैसे ही आएगा ये आपको बता दिया जाएगा कि आखिर फाइनल क्या रहा है, क्या यहाँ पर क्लास 9th 10th और 11th की जो परफॉर्मेंस है उसको क्लास 12th के मार्कशीट में शो किया जाना चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर ऐसा होगा कि क्लास 9th का 10th में होगा, 11th का 12th में। तो जैसे ही इस पर फाइनल अपडेट आएगा वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। एंड जितने बच्चे अभी क्लास 9th और 10th और 11th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, गाइस एक आपके लिए सजेशन है कि प्लीज़ स्टार्टिंग से पढ़ो, वापस बोल रही हूँ, अभी से पढ़ोगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4 साल आपने सुना होगा, मम्मी पापा भी बोलते हैं बेटा 9th से 12th तक अच्छे से पढ़ ले, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बात सच है, 9th 10th 11th 12th जिस बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से कर ली उसको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, जो भी यहाँ पे रहने वाला है रिजल्ट क्या रहेगा, जैसे कोई भी अपडेट आएगा तो मैं बिल्कुल बताऊंगी, लेकिन क्लास 12 डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप अभी फिलहाल अच्छे से पढ़ो, ठीक है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, जो भी अपडेट होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल इस चीज़ का प्रेशर अपने दिमाग पर नहीं लाना है कि भाई ऐसा हो गया तो क्या होगा, अभी जैसा पढ़ रहे हो वैसे पढ़ो। ओके, मिलते हैं बाद में एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज। Unacademy. Let's crack it.